छोटी सी सिंपल सी डिलीशियस रेसिपी फ्रेंच फ्राइज, जो कि हर कोई बहुत शौक से खाता है, हर घर में तकरीबन रोज़ाना ही बनते हैं, लेकिन हर कोई इसको परफेक्ट नहीं बना सकता बिल्कुल KFC स्टाइल के फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए। मैं बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स, मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ लगे हुए बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ये देखें बिल्कुल KFC स्टाइल के, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी फ्रेंच फ्राइज़ बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंच फ्राइज़ का नाम जब भी हम सुनते हैं तो ज़हन में यही आता है कि ये फ्रेंच में ईजाद हुए होंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है ये फ्रेंच में नहीं ईजाद हुए, इसकी सारी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। ये बेल्जियम में ईजाद हुए हैं। बेल्जियम के मछेरे मछलियाँ पकड़ कर फ्राई करके खाते थे, जब तालाब वगैरह सूख जाते थे तो तब उन्होंने आलू फ्राई करके खाने शुरू कर दिए। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 किलो आलू मैंने ले लिए हैं और उनको अच्छी तरह धो के ड्राई कर लिया है। कोशिश करें कि एक साइज़ की लंबे लंबे से आलू हों। इनको इस तरह करके हम छील लेंगे पीलर की हेल्प से। तो फ्राइज़ नाम बेल्जियम में पड़ा और बेल्जियम में बोली जाती थी फ्रेंच, तो ये फ्रेंच नाम जो है वो अमेरिका ने डाला है। अमेरिकन सोल्जर आए थे बेल्जियम और वो भी इधर से ही उन्होंने फ्राइज़ खाए, तो बेल्जियम में फ्रेंच बोली जाती थी तो उन्होंने इसका नाम रख दिया फ्रेंच फ्राइज़। सो इसमें फ्रेंच का कोई रोल नहीं है, ये बेल्जियम और अमेरिका दोनों ने मिलके फ्रेंच फ्राइज़ ईजाद किए हैं। इस तरह करके हम कट कर लेंगे आलू को, दोनों साइडों से मैंने थोड़ा थोड़ा सा उतार लिया है, वो हम सालन में यूज़ कर लेंगे। ये जितनी भी आपने थिकनेस रखनी है उस हिसाब से रख लें, मैंने इतनी रखी है। इस तरह करके हम कट कर लेंगे। इस तरह करके मैं एक स्ट्रेनर में डालूंगी और इसी तरह करके सारे आलू मैं काट लेती हूं। तो ये सारे आलू मैंने अच्छी तरह काट लिए हैं, अब इनको हम अच्छी तरह धोएंगे। 2-3 पानी में इनको धोना है, इनका जो स्टार्च है वो सारा निकालना है, वरना हमारे फ्रेंच फ्राइज जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल भी परफेक्ट डन नहीं होंगे। इनका आलुओं का स्टार्च जो है वो बहुत अच्छी तरीके से निकालना है, यानी आप किसी भी बर्तन में डाल के 1 मिनट के लिए रख दें, जब वो पानी मिल्की सा हो जाए वो पानी ज़ाया कर दें। 2 से 3 बार इस तरह करें। मैंने तो ऐसे ही अच्छी तरह इनको वॉश कर लिया था, सारा इनका स्टार्च जो है वो निकाल दिया था। चाहे तो स्ट्रेनर में डालें चाहे तो बर्तन में डाल के उसका पानी चेंज कर लें। स्ट्रेनर में इस तरह होता है कि ये अच्छी तरह मल के साफ़ हो जाते हैं और थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। अब इसको मैं यहाँ ही रखूँगी, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये सारा पानी इनका ड्राई करेंगे। तो ये पानी सारा ड्राई हो गया है, अब मैंने इसको एक डोंगे में शिफ्ट कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। अब इसमें स्पाइस ऐड करेंगे, जो स्पाइस हमने डालने हैं। वन टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च जाएगी, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कर सकते हैं कम ज़्यादा। 1/2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाले। अब इसको हम कवर करेंगे अच्छी तरह करके, इसको शेक करेंगे ताकि हर फ्राइज में इसके सारा कोट हो जाए जो हमने स्पाइस डाले हैं। 2 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था इस तरह शेक करके, अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए सारे आलुओं के ऊपर अच्छी तरह हमारे स्पाइस जो हैं वो कोट हो गए हैं।
अब इसमें दो मिनट के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे। अब इसको भी इसी तरह करके अच्छी तरह शेक करेंगे, जो बेसन है वो भी सारा हमारे आलूओं के ऊपर कोट हो जाए अच्छी तरह। ये देखें अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आइए इसको फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है और उसको अच्छी तरह मैंने गरम कर लिया है। जब ऑयल अच्छी तरह गरम हो गया है तब मैंने आंच को बिल्कुल मीडियम पे कर दिया है। अब इसमें हम फ्रेंच फ्राइज़ डालेंगे। बेसन की जगह अगर आप चाहते हैं तो कॉर्नफ्लावर या मैदा भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़बरदस्त आता है। ये देखिए बिल्कुल खिले हुए, एक भी आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। आपने इसको 5 से 6 मिनट ऐसे फ्राई करना है कि ऊपर से अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। अब इसको डिश आउट करते हैं। पेपर के ऊपर डालेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा इसमें चला जाए। बिल्कुल KFC स्टाइल के आप लोग ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को दीजिएगा। ये दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया था, तो सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं फ्रेंच फ्राइज। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेरे KFC स्टाइल के फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल तैयार हैं। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।